हिंदू रिचुअल्स और रूटीन्स। हम ओम का जाप या चैंटिंग क्यों करते हैं? ओम भारत में सबसे अधिक जपे जाने वाले ध्वनि प्रतीकों में से एक है। जो जाप करता है उसके शरीर और मन पर और आसपास के वातावरण पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। अधिकांश मंत्र और वैदिक प्रार्थनाएं ओम से शुरू होती हैं। सभी शुभ कार्यों की शुरुआत ओम से होती है। इसका उपयोग अभिवादन या ग्रीटिंग के रूप में भी किया जाता है, जैसे ओम, हरिओम आदि। इसे मंत्र या ध्यान के रूप में दोहराया जाता है। इसके रूप की पूजा चिंतन या शुभ संकेत के रूप में की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनी, विनीज रीइन्वेंट योरसेल्फ से। ओम प्रतीकात्मक रूप से दिव्य ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी या शक्ति और इसकी तीन मुख्य विशेषताओं का प्रतीक है, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और लिबरेशन, या हम कह सकते हैं सृजन, संरक्षण और मुक्ति। मंत्र या वाइब्रेशन या कंपन हिंदू धर्म से प्राप्त होता है और ओम को स्पिरिचुअल व क्रिएटिव पावर या आध्यात्मिक और रचनात्मक शक्ति भी माना जाता है। ओम भगवान का सार्वभौमिक या यूनिवर्सल नाम है। जब सही ढंग से उच्चारण किया जाता है तो ओम के चार सिलेबल्स होते हैं और ओम का उच्चारण किया जाता है, ए जो सोलर प्लेक्सस में शुरू होता है और छाती में वाइब्रेशन भेजता है। दूसरा शब्दांश यू, यू ध्वनि को गले में ऊपर ले जाता है क्योंकि ध्वनि ऊपरी तालु या थ्रोट से आगे बढ़ती है। तीसरा शब्दांश एम एक लंबे समय तक सिलेबल है और ऊपरी चक्रों के माध्यम से कंपन लाता है। अंतिम शब्दांश अनंत की गहरी चुप्पी है क्योंकि समग्र कंपन शरीर और ब्रह्मांड में उगता है। तीन अक्षर तीन अवस्थाओं जागृत, वेकिंग, स्वप्न ड्रीम या गहरी नींद डीप स्लीप का प्रतीक है। तीन देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीन वेद ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, तीनों लोकों भू भव सुभा आदि के प्रतीक भी ओम है। निराकार निर्गुण भगवान का वर्णन दो ओम मंत्रों के बीच मौन द्वारा किया जाता है। ओम को प्रणव भी कहा जाता है जिसका अर्थ है यह प्रतीक या ध्वनि जिसके द्वारा प्रभु की स्तुति की जाती है। वेदों का पूरा सार ओम शब्द में निहित होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने ओम और अथ का जाप करने के बाद दुनिया का निर्माण शुरू किया, इसलिए इसकी ध्वनि को किसी भी कार्य के लिए एक शुभ शुरुआत बनाने के लिए माना जाता है। ओम मंत्र में घंटी की गूंजने वाली ध्वनि होनी चाहिए। ओम को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से लिखा जाता है। सबसे सामान्य रूप भगवान गणेश का प्रतीक है, ऊपरी वक्र सिर है, निचले बड़ा हिस्सा पेट व साइड हिस्सा ट्रंक, और भगवान गणेश के हाथ में बिंदी के साथ अर्ध गोलाकार चिन्ह मिठाई की गेंद या मोदक है। यहाँ कई कारण हैं कि एक योग कक्षा की शुरुआत भी और समाप्ति भी ओम का जाप करके होती है। ओम हमें अपने अभ्यास के समय को अपने रोजमर्रा के जीवन से अलग करने की अनुमति देता है। यह दर्शाता है कि हमारा अभ्यास समय एक पवित्र समय है जिससे हम मन लगाकर अभ्यास करते हुए खुद की देखभाल करें। ओम जप के कई अन्य कारण भी हैं, जैसे जब 432 हर्ट्ज की आवृत्ति पर ओम का उच्चारण किया जाता है, प्रकृति में सभी चीजों की कंपन की आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी यही होती है। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। यह प्रतीकात्मक रूप से और शारीरिक रूप से हमें उस ध्वनि को देता है और दुनिया और ब्रह्मांड में हर चीज से हमारे संबंध को दर्शाता है। रिदमिक प्रोनाउंसिएशन या वाइब्रेशन का हमारे नर्वस सिस्टम व बॉडी पर सकारात्मक प्रभाव होता है और हमें मेडिटेशन सा फील होता है। यह रक्तचाप को कम करता है और हृदय के स्वास्थ्य को बढ़ाता है। अंततः ओम हमें गहरे अभ्यास से कनेक्ट करता है, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड बनाता है जो कि शारीरिक आसनों से ज्यादा प्रभावकारी होता है। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो ज्ञानवर्धक व यूजफुल लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन व सब्सक्राइब बटन क्लिक करें व अपने विचार व सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। विनी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।